नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस बढ़ुछी वाणीविहार टेंशन। कुलपति ऑफिस घेरिले छात्र आंदोलन को देखि पुलिस सुरक्षा लोड़िले कुलपति। कैंपस रे बीजेडी छात्र नेता प्रचार को नहीं मुहांमुही होइतिले छात्र अणछात्र। कांग्रेस भवन रे उत्तेजना। युव कांग्रेस सभापति चयन को नहीं असंतोष। 50 रु अधिक कर्मी कांग्रेस भवन आगरे होहल्ला। टीका एवे ननेले आगकु मिलिबनी मागणा। सठिक समय टीका नेबा को राज्य स्वास्थ्य विभाग सेपटे आज भुवनेश्वर में पहुंचा आउ 3,34,500 डोज कोविशील्ड। राज्य में थमुनी लज्जा। बलांगीर में दिव्यांग नाबालिका दुष्कर्म। आहार केन्द्र कर्मचारी ना में अभियोग। डिटलागढ़ थाना बीजेपी एतला। सेपटे बालेश्वर में नाबालिका दुष्कर्म अभियोग। सुवर्णपुर पालीगारे अघटन। बापा को हत्या पर शव पोती देला नाबालक पुओ। सामान्य पाटितुंड हत्याकांड। घटनास्थल को अभियुक्त को नहीं वीर महाराजपुर पुलिस छानबीन। रक्त रंजित है सुलियापीठ। कटकणा सत्वे बलांगीर प्रसिद्ध सुलिया यात्रा रे पड़ा बड़ी। प्रशासन पक्ष कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। दुकान बजार बंद। दीर्घ मास पर आज खोलिला राज्य संग्रहालय। प्रतिदिन 200 लोकों परिदर्शन करने सुजोग। थर्मल स्क्रीनिंग करी प्रवेश पाई अनुमति। कोविड पाई सोमवार शनिवार बंद रहिबो म्यूजियम। शेषे रोमांचकर मोड्रे ब्रिस्बेन टेस्ट शेष। 19 ओवर दरकार 96 रन। अर्धशतक पर पुजारा फेरिले पवेलियन। एथर संपूर्ण खबर। कांग्रेस भवन रे उत्तेजना। युव कांग्रेस सभापति चयन को नहीं असंतोष देखा दी जहाँ को नहीं 50 रु अधिक कर्मी कांग्रेस भवन आगरे होहल्ला करिछन्ते। निर्वाचन नहले सदस्यता फी फेराइबा को सेमानंकु सेमाने दाबी करिछन्ते। टीका नेबाकु आगे आसेबाकु अनुरोध करिछि राज्य स्वास्थ्य विभाग। राज्य में पर्याप्त परिमाण रे टीका रहिछि। अनुपस्थित थिले परे आसे टीका नै परिबे। हेले एबे टीका ननेले परे आउ मागणा रे मिलिबो नाही टीका। एरे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निर्देशक सूचना दैछन्ते। सेपटे राज्य में आज पहुँचिबो द्वितीय दफा कोरोना टीका। राजधानी भुवनेश्वर में 3,34,500 डोज कोविशील्ड टीका पहुँचिबो बोली जणापड़िछि। प्रथम पर्याय डाटाबेस रे थिबा कर्मी को मिलिबो टीका। आज टीका दान नै किछि सेसन्स कमा जाइथिबा बेले 192 सेसन्स रे हेबो टीकादान। तेबे प्रथम टार्गेट ग्रुप रो टीकाकरण आगामी 25 तारीख सुधा शेष करबा को लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपई टीकाकरण अभियान को मध्य त्वरान्वित करा जाइछि। बाप को हत्या करी शव को पोती देला पुओ। सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर थाना पालीगां रे घटिछि एही अघटन। पालीगार सुरली तसा और तांको नाबालक पुओ इटा पकाइबा को जाइथिले। सेठारे बापुपो मध्यरे कोनोसी कारणरु सामान्य पाटितुंड होइथिला। परे एहा उग्र रूप धारण करिथिला। नाबालक पुओ उत्त्यक्त होइ बापा सुरली को आक्रमण करिबारु घटनास्थलरे ही सुरलींकर जीवन चली जाइथिला। एहा परे पुओ बापर शबकु पोती देइथिला। कोनोसी सूत्ररु खबर पाई वीर महाराजपुर पुलिस पालीगारे पहुंची अभियुक्तक घरे तदंत करबा सह अभियुक्त पुओ को शव पोतिबा स्थान को नहीं तदंत जारी रखी। मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे पोता जाइथिबा शव को खोलाजिबो बोली सूचना मिलिछि। सुरटर पालोड ग्राम निकट किम मांडवी रोड रे श्रमिकों ऊपरक ट्रक मारिजिबा घटना। मृत्यु संख्या 15 को वृद्धि पाई। राति प्राय 12टा समय रे ट्रक टी मांडवी आड़क जाउथिबा एक आखुभर्ती ट्रैक्टर सह मुहांमुही धक्का होता। जहाँफल ट्रक ड्राइवर नियंत्रण हर दुर्घटना करथिबा जणापड़िछि। दुर्घटन में जड़े झील समेत 12 जन घटनास्थल में मृत्यु होता बेले 6 जन कर्मचारी गुरुतर आहत होते। सुरक्षा बल पहुंची घटनास्थल में आहत मान सुरट स्मार हस्पिटाल को पठाई थे जोठारे चिकित्सा समय आउ 3 जन मृत्यु होती। दुर्घटन में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गुरुतर आहत होते। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह गुड़िकर पोस्टमार्टम कोसंबा पठाई।
दुर्घटना रे प्राण हरायथिबा समस्त श्रमिक राजस्थान रो पुलिस सूचना दिया जैछि। एहा सह एही दुर्घटना रे जणे 6 वर्ष रो झियो को उद्धार करा जैछि। गुजरात कुसुम्बरे ट्रक धक्कारे 15 श्रमिकों मृत्यु घटनारे शोक प्रकाश करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाए अनुकंपा राशि घोषणा करिछन्ते। यहा सह आहतों परिवार को 50,000 टंका लेखाए सहायता राशि घोषणा होइछि। आहतों आशु आरोग्य कामना करिछन्ते प्रधानमंत्री। ब्रह्मपुर गोईलुंडी ठारे डिक्की भांगी 2 लाख ऊर्ध टंका लूट घटना। अभियुक्त को गिरफ्त करी बैद्यनाथपुर पुलिस। अभियुक्त जनक अंकुली निगम नगर वासुदेव स्वाईं तार निकटू 2,20,000 टंका जबत कर पुलिस। गत 15 तारीख में विपिन बरालों भाई बाइक डिक्की भांगी 2,69,000 टंका लुट होता नहीं थाना अभियोग करते। कोरोना कटकणा भितर रक्त रंजित है बलांगीर सुळिया जात्रा। देवगां ब्लक कुलितापड़ा पंचायत खैरगुड़ार बड़खला और कुमरियार सानखला बळी पड़ी। सरकार को गाइडलाइन अनुजाई जात्रा पालन होईछि। कोविड कटकणा सत्वे हजार हजार पशुपक्षी को बळी दिया जाइछि। पूर्वरु बळी रखिबार विफल होई आसुथिबा जिला पुलिस प्रशासन आदिवासी रीतनीति आगे हार मानिछि। जिला और जिला बाहर बहु भक्त एठाक आसिथांती। प्रतिवर्ष पौष मास रे पालित हुए सुळिया जात्रा। बळी प्रथा बंद करने को जिला प्रशासन बैठक में अनुरोध करिथिले भी बळी नहीं जिद्र अटल थिला कमिटी। टिटलागढ़ में दिव्यांग नाबालिका को दुष्कर्म घटना। जिला बीजेपी पक्ष टिटलागढ़ थाना रे दिया जाइछि एतला। टिटलागढ़ हॉस्पिटल निकट रे थिबा आहार केन्द्र कर्मचारी ना एतला दिया जाइछि। नाबालिका जनक गर्भवती थिबा जना पड़िछि। 4 मास पूर्व भाई को चिकित्सा पाई हॉस्पिटल आनिथिबा बेले घटिथिला एभली अघटन। न्यायपाय उपजिलापालों द्वारस्थ होइछन्ते भिन्नक्षम नाबालिका। एबे सुधा ई घटना रे पुलिस कोनोसी पदक्षेप नै नाही। राज्य रे नाबालिका निर्यातना और दुष्कर्म घटना संगीन हेबारे लागिछि। देश रे नाबालिकांक विरोध रे हेउथिबा निर्यातना हार 8.1% थिबा बेले ओडिसा रे एहा 13.7%। एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार 2018 मसीहा रे 37 नाबालिका दुष्कर्म मामला रुजु होईछि। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई हम सहित सीधासळख जुडी होईछंती हम प्रतिनिधि तरुण जुडी होईछंती। तरुण, वास्तविक घटना कोन थिला एवं घटनाटी केबे घटिछि? देखो चिन्मय घटनाटी सेप्टेम्बर 6 तारीख में जो रही दिव्यांग झी से दिव्यांग भाई को चिकित्सापाई टिटलागढ़ उपखंड स्वास्थ्य केन्द्र को आनी एटारे रही से चिकित्सा करुते विभिन्न समय बारंबार आसती कहीं सिक्लीन रोग से भाई पीड़ित थे। गत सेप्टेम्बर 6 तारीख में जिते बड़े यही हस्पिटाल को चिकित्सापाई आसी समय एटारे जो रही तरुण वास्तविक भाव में जो भाव में दिन को दिन राज्य में नाबालिका दुष्कर्म बढ़ुच्छे यहाँ नहीं कि दुर्भाग्यजनक घटना जे आज पर्यंत कौन सी घटनार सठिक भाव में तदंत हो बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आप समस्त तथ्य और आलोचना बर्तमान नजर पकड़ बीजेपी सांबादिक सम्मेलन आज आपण मैंने भल भाति जानते आपण मैने बहुत पाखुरु निरीक्षण करुचंती एवं गणमाध्यम तांको बहुत चासी मानकर समस्या को भी कवर करुच। आज भी ओडिशार लक्ष लक्ष चासी तांकर धान धरिकी रे रास्तारे बसिचंती ताकु सरकार उठौ नाहंती। मंडीर की अव्यवस्था आपण माने भल भाबरे जानंती। मंडी रे भित्तिभूमिर अभाव पानीर अभाव अखार अभाव सुतुली ये सबो पाई की केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा दौथुबा समय रे हजार हजार कोटी टंका विभिन्न आरएमसी पाखरे लैंप्स पैक्स पाखरे पड़ी रही से पैसा खर्च होना कौन पाई खर्च होना यार उत्तर राज्य सरकार रखत ओडिशावासी आगे। राज्य सरकार ओडिशार चाषी मानू भ्रमित करने की गत काली गोटे नुआ कुंभीर कांदणा आरंभ कले कौन ना जदि केंद्र सरकार बंद कर दिंती उष्णा चाउल प्रोक्योरमेंट ताहले चासी को उपरे बोझ पड़ असल कथा हैला ओडिशा सरकार चासी को पाई चिंतित नुहंती।
ସେମାନେ ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ, ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ମିଲରର ବିଷୟ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ ଦିଏ ସେ ଧାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠାଇବା କଥା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠାଇବା କଥା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲରକୁ ଦେଇକରି ତାକୁ ଉଷୁନା ବା ଅରୁଆ କରିବା କଥା। ପୁଣି ସେଇ ଚାଉଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର FCIକୁ ଦେଇପାରିବେ ବା ନିଜସ୍ୱ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁକି ରଖିପାରିବେ। ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚିଠି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ 50% ନେଇକିରି ବାକି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଣାଯାଉ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଇବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି। ଉଭୟ FCI ପାଖରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁକି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। FCI ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆମେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ସିଏ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? ଆମର ଦରକାର ଅରୁଆ। କ'ଣ ପାଇଁକି ନା, ଦେଶରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏମିତି କିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, କିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆସାମ ଫାସାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁକି ଚାଷୀ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଅରୁଆ ହୁଏ, ଚାଷୀ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅରୁଆ ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ ଯେତେ ଅରୁଆ ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ସବୁ କିଣିବୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇ ଚିଠିରେ ଅଛି, ଯେତେ ଅରୁଆ ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ଅରୁଆ କିଣିବୁ। ଏ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲି 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଅରୁଆ ବିଷୟରେ ପଦଟିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ଉଷୁନା ଉପରେ କ୍ୟାପ୍ ମୋଦି ସରକାର ଲଗାଇଲେ ବୋଲି ଓଲଟା ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଷୁନା ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେଟା 50% ଆଣିକିରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଅରୁଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଷୁନା ପାଇଁକି କାହିଁ ଏତେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଉଷୁନା ଚାଉଳ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଚାଷୀ ତ ତିଆରି କରୁନି ଉଷୁନା କି ଅରୁଆ, ଚାଷୀ ତିଆରି କରୁଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉଷୁନା କି ଅରୁଆ ସିଏ ଚାଷୀର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଚାଷୀର ବିଷୟ ଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ହେଲା, ଚାଉଳ ତିଆରି କଲା ମିଲର। ଏଇଥିପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଷୁନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ମିଲର ଲାଭବାନ ହେବ। କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବ? 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମିଲର ଲାଭବାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ମିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚାଉଳକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, FCIକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍କୁ ସେମାନେ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେ ଉଷୁନାଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ 5-7%, 5-7% ଧାନରୁ ଅଧିକା ଉଷୁନା ହୁଏ ଦେନ୍ ଅରୁଆ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ
ଧାନରୁ ତିଆରି କରୁଛେ ଚାଉଳ, ତାହେଲେ ଉଷୁନା ତିଆରି କଲେ 5-7% ଅଧିକା ଚାଉଳ ହେବ, ଅରୁଆ ତିଆରି କଲେ 5-7% କମ୍ ଚାଉଳ ତିଆରି ହେବ। ଇଏ ବି ମିଲର୍ର ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଉଷୁନା ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ହସ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ରାନ୍ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଖୋଳ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳଟା ବାହାରିଗଲା ତାର ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ାଟା ରହିଛି, କୁଣ୍ଡା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ାଟା ରହୁଛି, କୁଣ୍ଡା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡାରେ 7-8% ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ହେଉଛି। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ହାଏ। ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ହାଏ, ଆଉ ତା'ର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସାରେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମିଲର ଉଷୁନା ତିଆରି କଲା ସିଏ ବ୍ରାନ୍ର ବି ପଇସାଟା ପାଇଲା, ସେଇଟାର ହିସାବ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଟୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ରାଇସ୍ ଯଦି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଚାଉଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବା ସହ ତା'ର କୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ତେଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ତା'ର ଫାଇଦାଟା ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ମାଲିକ ନେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସେଇଟା ନେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଉଛି, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅପେକ୍ଷା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତା'ର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା, ତା'ର ବ୍ରେକେଜ୍ ଅଧିକା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ତିଆରି କଲେ, ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ତିଆରି କଲେ ସେତିକି ସେମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେତିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆରେ ବ୍ରେକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଅରୁଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯଦି ସେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଡେଲିକେସି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା ହେବ, ସେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ଟା ମିଲର୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଫାଇଦା ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍ ମାଲିକକୁ ହେଉଥିବା ହେତୁ ମିଲର୍ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଉଷୁନା କରିବେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନ କହିକି ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଧା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହଁ, ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲେ ମୋଦୀ ସରକାର, ମୋଦୀ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଅରୁଆ ତିଆରି କରୁଛ କର, ଆମେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ତ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ତ ଚାଷୀର ବିଷୟ ନୁହଁ ନା, ଅରୁଆ ଉଷୁନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମିଲ୍ ମାଲିକର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଭିତରେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଅରୁଆ ତିଆରି କର, ସିଏ ଅରୁଆ କରିବେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଉଷୁନା କର, ସିଏ ଉଷୁନା କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସଠୁ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନା ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଲିଂ ସାଇକେଲ ଅଛି, ମିଲିଂ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସାଇକେଲ, 120 ଦିନର ସାଇକେଲ, ତେଣୁ ଆରାମସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବନାଅ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ନେବେ, ଚାଷୀ କୌଣସି ବାଟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଯେତେ ଧାନ ତିଆରି କରିବ କରୁ ସବୁ ଚାଉଳକୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଅରୁଆ କରିବେ କି ଉଷୁନା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥାଟା କହିଲି, ଓଡ଼ିଶାର କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କିଛି ପାର୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରା, କିଛି ପାର୍ଟ ଆସାମ, ଏମାନେ ଅଧିକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରହିଛି। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ 50% ଦେବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୋଜନା ନିଜସ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା, ଯାହା ବି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏନଫ୍ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହା ଯିବ ସବୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ବି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ଅଧିକା ହେଲେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବ।
नष्ट है लास्ट बाध्य है कि आमको ताको बंगोपसागर रे ही पिंगिया को पड़ो कारण ये कंजम्पशन रो लिमिट ऊपर को हे जाउ छ हाँ देखो प्रोक्योरमेंट भी गोटे नेशनल लेवल रे ही हुए प्रोक्योरमेंट गोटे नेशनल लेवल रे ही हुए एटा कैलकुलेट करी जे को स्टेट रो केते नीड अछि सब योजना ये जो जनकल्याणकारी योजना को कॉग्निजेंस को लेकर केते लोक अछंती कौन कंज्यूम करछंती किए चावल कंज्यूम करछंती किए अरुआ करछंती किए उष्णा करछंती किए गहम करछंती इवन गहम भी ये सबूर गोटे कैलकुलेशन हेला परे केंद्र सरकार तांकर डिमांड राज्य मानक आगे रखती से क्रम ये आउ गोटे पदक्षेप जेते बेले ओडिशार निजस्व कंजम्पशन फुलफिल हो जाते अन्य राज्यर जो डिमांड अच्छी से डिमांड अनुसार आम दबा आपण मत गोटे सिंपल कथा राज्य सरकार आमको बुझातु जे उषुना हो कि अरुआ हो दीटा कथा गोटे कंजम्पशन रहा गोटे प्रोडक्शन रहा अरुआ हो कि उष्णा हो जदि ओडिशावासी कंजम्पशन फुलफिल है तेल आउ किसी प्रश्न उठूनी बाकी रहा प्रोडक्शन प्रोडक्शन चाषी तो धान करुच्ची तार तो अरुआ उष्णा से किसी मतलब ही नहीं तेणु चाषी को चाषी केमती क्षतिग्रस्त हे बोले राज्य सरकार कहते विजु जनता दल केमती कहला चाषी क्षतिग्रस्त हे क्षतिग्रस्त जदि किए हम तक हिसाब अनुसार मिलर हम आ मिलर वकिल ये साजिंट विजु जनता दल तार उत्तर तो से रखे ना कहीं मिलर स्वार्थर कथा कहते चाषी स्वार्थ कहीं कथा कहना क्लीयर देखु आम मूल कही विजु जनता दल जिते निज स्वार्थ बाधाप्राप्त हुए जिते दुर्नीतिर पर्दाफाश हुए से रक्तमुखा हूँ आ महांगा डबल मर्डर हूँ से ही क्रम गोटे पर्याय एटी सीधा सड़क विजु जनता दल वरिष्ठ मंत्री प्रताप जेनांकर संपृक्ति प्रमाण आम रखीचु जे विकास जेना मर्डर 2018 पाखरु जो माने विकास जेना को हत्या करथिले से माने मंत्री प्रताप जेनांकर सभा समिति रे खोले आम बसिबा तांको सहित बुलिबा प्रचार करिबा विभिन्न दलियों और राजनैतिक कार्यक्रम रे सामिल हबा इटा करिचंती ये प्रमाण रहिला परे भी पुलिस कौनसी पदक्षेप नेला नाही आउ से लोक माने जो माने विकास जेना को मारथिले से माने पूर्णी कुलमणि एवं दिव्यसिंह बराल को हत्या कले ए कथा लोक लोचन रे अछि पब्लिक डोमेन रे अछि पुलिस पाखरे अछि सरकार पाखरे अछि या परे जदि सरकार किछि पदक्षेप न करिवे जहां राजनैतिक पदक्षेप नबार अछि आमे ताकु नबु नाही कुलमणि बराल जो डबल मर्डर से कौ डीआईजी रैंक ऑफिसर ताको तदंत कले आम जापरलु ना कि परी हत्याकांड एस आई टी रो सिटिंग जज ताको एस आई टी को तत्वावधान कले ताको भी आम जापरलुनि तेणु राज्य सरकार गुमर को पेट भितर लुचे की रखिंट लुचातु ओडिशावासी सब देख देखुंट देखु ये राजनीति रे दीटा जिनस अच्छे गोटे आपण सरकारी कल लगे जोर जबरदस्ती किसी करी भोट हाते कि क्षमता रही पारती किंतु पब्लिक परसेप्शन आज लोके जे परी हत्या अंग तस्करी केस रे मंत्री अरुण साहू को संपृक्ति अच्छी एवं महांगा डबल मर्डर रे प्रताप जेनांकर संपृक्ति अच्छी देखंतु रेलवे पाई कि आपण मान भी जानी जे मोदी सरकार आसीबा आगुरु 400-500 कोटी रेलवे बजेट रे आसुथला मोदी सरकार आसिला परे क्षमता को आसिला परे प्रत्येक वर्ष 5,000-6,000-7,000 कोटी टंका रेलवे पाई आसुची आउ दीर्घसूत्री जो जो रेलवे रो विकास पाई कि जहाँ जहाँ योजना रही ताकू बराबर रेल मंत्रालय अनुध्यान करुची मॉनिटरिंग करुची काम केमती शीघ्र हबो त्वरान्वित हबो आउ रेलवे गोटे मोर एफिशिएंट सिस्टम हेई पारिबो लोकों को सुविधा जोगे दे पारिबो किंतु ओडिशा रे
विभिन्न समय रे आमे देखी आसीचे तालचेर बिमलागढ़ कथा हो खोर्धा बलांगीर कथा हो से सुकिंदा लाइन कथा हो ये सब राज्य सरकार स्थाणुता जो लंबा समय तक पड़ी रही एमाने ना जमी अधिग्रहण करिकिरी देई पारुचंती ना एमानकर किछि मानसिकता अछि किछि प्रोएक्टिवनेस अछि जे ए जगारे आमे रेलवे को हेल्प करे कि केमिति लाइन टा शीघ्र करे करिकि कंप्लीट करिबा से दिगर किछि नै एमाने केवल केवल गोटे चिट्ठी लेखिकिरी पैसा दियो पैसा मागिबा राजनीति रे बिजु जनता दल अछि बराबर विभिन्न समय रे केन्द्र देलानी केन्द्र देलानी केन्द्र देलानी केन्द्र जो देला तमे कौन कल ताहा भी तो कह ना कौन मु किछ बुझी पानी तमे कौन केन्द्र रो जोई जे एठी बसी करी केन्द्र दियो केन्द्र दियो केन्द्र केन्द्र कौन दबो कहा को दबो कोथि पई दबो गोटे स्ट्रक्चर अछि गणतंत्र रे सरकार कर गोटे तंत्र अछि तंत्र भीतर ही आम समस्त को काम करिया को पड़िबो तंत्र बाहर को जाकि आपण जदि भाबी चंती जे ओडिसा बासी एते सरल जे आमे जहा कहू केन्द्र अवहेला कर देला लोक विश्वास कर जिवे लोके आ विश्वास करना लोके प्रश्न पचारुचंती केन्द्र देइतिला तमे कौन कल गत पांच वर्ष भितर 20,000 कोटी टंकारु ऊर्ध आसी ओडिशा को केवल रेल बजेट रे ताको को भली भाव रे सीए ताको खर्च करेबा पाई कि राज्य सरकार कौन सहयोग करचंती रेल मंत्रालय सहित से कथा आग रखंतु काहीकि कंप्लीट हो पारुनी लंबा लंबा जो जो रेलवे प्रोजेक्ट एत वर्ष है केवल जमी अधिग्रहण कौटी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू ये सब को जोटा राज्य सरकार तुटेबा कथा ताको तुटे पारनांती जहाँ लगी ये सब पड़ी रही केन्द्र सरकार आटलिस्ट मोदी जी आसला परठु केबे मागिबा को पड़ी ओडिशा को फनी हला अंफान हला आकाश मार्गरु परिदर्शन कले 500 कोटी टंका एडवांस रे देले को सरकार एमती कर नथिले केही एमती कल्पना भी कर नथिले जे ओडिशा को एभली पैसा मिली पारिब किंतु आमको भी टिके निजे को निजर विवेक को पचार कि जानिबार अछि जे आमे ए पैसा को कौन करचे लोकों पई खर्च करचे ना ताको आत्मसात करचे ना ताको आमर बिजु जनता दल दलय फंड रे लगौचे ये प्रश्न पचार आवश्यकता रही सांबादिक सम्मेलन रे राज्य बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार बीजेडी उपरे बा राज्य सरकार को उपरे बरसिछंती जो कथा कहउछंती जे चासिंकर स्वार्थ पई राज्य सरकार को नहंती मिलर को पई ही से माने कहउछंती मिलर को स्वार्थ देखुछंती एवं मिलर को पई ओकिलाती करउछंती समय सूची वर्तमान रो अर्गस अपडेट को इठ रखछु नमस्कार।